सर, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। 19 मई को यहाँ गाजीपुर में मतदान है, जहाँ पे भाजपा की तरफ से मनोज सिन्हा, सपा बसपा गठबंधन से अफजाल अंसारी और कांग्रेस से अजीत प्रताप कुशवाहा मैदान में है। क्या लग रहा है, किसका माहौल है? माहौल तो अफजाल अंसारी का है। क्यों, यहाँ तो ये बताया जा रहा है लोगों, यहाँ पे सबकी प्रतिक्रिया अनुसार ये बताया जा रहा है कि मनोज सिन्हा ने काफी सारे कार्य कराए हैं, उनके विकास कार्यों को देखते हुए हम उन्हें वोट देंगे। सिर्फ क्या बनाया है, रेलवे स्टेशन एक बनाया है और शिक्षा, गली गली का जो रोड है एकदम खरंजे ही खरंजे ही है। यानी शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने कोई कार्य नहीं किया? नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रत्याशी ये बोल रहे हैं कि हमें हमारे नाम पे नहीं, मोदी जी के नाम पे वोट दीजिए। क्या लगता है मोदी जी के नाम पे हम लोग वोट नहीं देंगे, हम तो अफजाल को देंगे। सर, लोकतंत्र के महापर्व 19 मई को या गाजीपुर मतदान है, अभी सबकी प्रतिक्रिया के अनुसार ये पता चला है कि मनोज सिन्हा जी ने काफी सारे विकास कार्य किए, आपको क्या लगता है? भैया, हम के हिसाब से कोनो कार्य ना केले, खाली जातिवाद केले हमन का अफजाल अंसारी कोट देती जाए। यानी ये माना जाए कि सपा बसपा गठबंधन यहाँ पे काफी तरीके से मजबूत है? एकदम एकदम, सबसे ज्यादा मजबूत है। विकास के क्षेत्र में क्या कार्य हुआ है गाजीपुर में? बस रेल निकलने बना और जितना भी नौकरी मतलब देले हुआ, खाली बजारन ठाकुर ने देले हुआ। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ना केले हुआ। सर, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, 19 मई को यहाँ मतदान है, सारी पार्टियां अपने प्रत्याशी को जिताने की होड़ में लगी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी मनोज सिन्हा को यहाँ से उतारा है, जो कि मनोज सिन्हा बार बार ये बोल रहे हैं कि हमने गाजीपुर में काफी सारे विकास कार्य किए हैं। वहीं दूसरी तरफ सपा बसपा गठबंधन से अफजाल अंसारी है और तीसरी तरफ कांग्रेस से अजीत प्रताप कुशवाहा है। क्या लग रहा है, किसका माहौल है? आप उन्हें किस बेस पे चुनना चाहेंगे, किस बेस पे चुनना चाहेंगे आप उन्हें? जी दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा प्रत्याशी मनोज सिन्हा कह रहे हैं कि हमने काफी सारे विकास कार्य किए, चिकित्सा काम हुआ है, यानी बाकी सारी बातें उनकी बेबुनियाद है, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में कोई वर्क नहीं हुआ। सर, लोकतंत्र का महापर्व है, 19 मई को यहाँ गाजीपुर जिले में मतदान है, आपका क्या विचार है, किसके बारे में आप बोलना चाहेंगे? गठबंधन के साथ है तो भाजपा के प्रत्याशी मनोज सिन्हा जी ने कहा है कि हमने काफी सारे विकास कार्य किए हैं गाजीपुर में, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विकास तो घर किए हैं, लेकिन जहाँ पार्टी का मामला है वहाँ पार्टी के लोग जब सब अपने अपने पार्टी के साथ जाते हैं तो देने पड़ेगा। यानी केवल पार्टी की व्यक्ति विशेष पे आप अपना वोट देंगे? सर, लोकतंत्र का महापर्व है, 19 मई को यहाँ मतदान होना है, ऐसे में सारी पार्टियां अपने प्रत्याशियों को जिताने की होड़ में लगी है। यहाँ भाजपा की तरफ से मनोज सिन्हा, सपा बसपा गठबंधन से अफजाल अंसारी और वहीं कांग्रेस की तरफ से अजीत प्रताप कुशवाहा है मैदान में। क्या लग रहा है आपको, किसका माहौल है? माहौल अजीत प्रताप कुशवाहा का है जी, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मनोज सिन्हा ने यहाँ पे काम करवाया है, इस भी आप पे वो इस वक्त चुनाव की रोड में आ गए हैं। इस बार जो चुनाव हो रहा है जी, वो एक जिले में क्या हुआ इस पर चुनाव नहीं हो रहा है जी, देश में झूठ और सच के बीच का चुनाव हो रहा है, देश में लोकतंत्र संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा इसका चुनाव हो रहा है जी, इस देश में सभी मजहब और सभी जाति और सभी धर्म के लोग ठीक से रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसका चुनाव हो रहा है, या देश सीरिया और लेबनान न बने, अफगानिस्तान न बने, उसका चुनाव हो रहा है, और सबसे बड़े लोकतंत्र सुरक्षित रहे ब्रिटेन के लोकतंत्र की तरह, इसका चुनाव हो रहा है, और इसमें आम जनता लोकतंत्र के पक्ष में खड़ी है, और एक व्यक्ति लोकतंत्र भारी सारी संस्कृति और सभ्यता को खत्म करने के लिए चुनाव लड़ रहा है, जैसे हिटलर ने यहूदियों को खत्म करने का अभियान चलाया था, तो मोदी जी चाह रहे हैं कि मैं अकेले रहूं, मेरे विचार के लोग रहे और कोई न रहे, तो उसके बीच का संघर्ष है, और आम जनता इससे बड़ी तादाद में चाहती है कि हिंदुस्तान सुरक्षित रहे, इसलिए यह देश में राष्ट्रीय चुनाव हो रहा है, और राष्ट्रीय चुनाव में कांग्रेस भाजपा आमने सामने है, तो गठबंधन का कोई मामले नहीं, और जब मोदी खुदे खिलाफ चुनाव हार गए हैं, इसमें मनोज सिन्हा का लड़ने का कोई मतलब नहीं, देश का चुनाव है और देश में कांग्रेस जीत रही है। बसपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने बोला कि 2014 में 2,44,000 वोट से हमने मनोज सिन्हा को हराया था, तो क्या लग रहा है वो गणित दोबारा? दो हजार चार में देश में लोकतंत्र और जिन बातों को मैंने कहा, इस देश की जाति और संस्कृति और सभ्यता और दूसरे धर्मों के खत्म होने का खतरा नहीं था, उसमें सामान्य लोग चुनाव लड़ रहे थे, उसमें हिंदू को लोग हिंदू मानकर और मुसलमान को मुसलमान मानकर वोट नहीं कर रहे थे, इस चुनाव में भाजपा ने ऐसा खराब वातावरण पैदा कर दिया कि अफजाल अंसारी अपने को मुसलमान मानकर लड़ रहे हैं और मनोज सिन्हा हिंदू मानकर लड़ रहे हैं,
और हम देश बचाने का चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए देश के सवाल पर हम चुनाव जीत रहे हैं। देश बड़ा है सर। सभी बीजेपी प्रत्याशी इस समय ये बोल रहे हैं कि आप हमें वोट मत दीजिए, मोदी जी के नाम पे वोट दीजिए ताकि विकास की गति आगे बढ़े, क्या लग रहा है आपको? गाजीपुर में जो चुनाव हो रहा है, अगर मोदी जी के ही चलते चुनाव हार रहे हैं हम राष्ट्रीय स्तर, यहाँ पर लोकल स्तर पर कोई सोच नहीं रहा। पर उनके पार्टी का कहना है कि गाजीपुर में काफी सारे विकास कार्य हुए हैं, जैसे स्टेशन, रोडवेज और आपके काफी सारे रोड चौड़ीकरण हुए हैं, काफी सारे कार्य हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में। स्टेशन छोड़कर के और जो भी विकास कार्य हो रहे हैं वो अब पिछले गवर्नमेंट के द्वारा पास है, जिसको इन्होंने पैसा लगा करके काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हुआ। शिक्षा के क्षेत्र और शिक्षा के क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर पर तो बजट की कटौती हुई, जिसको राजीव गांधी कह रहे हैं कि 6% हम बजट देंगे शिक्षा के। शिक्षा के नाम पर एक और बात बता दूं, भूल गए हैं, शिक्षा के नाम पर इस देश की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी का नाम है JNU, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसमें 6,000 रुपया सालाना फीस दे करके देश की दुनिया की सारी सुविधाएं लेकर के कमजोर परिवार के लड़के भी पढ़ करके अच्छा आदमी बनते थे। ये भाजपा सरकार ने 1,00,000 रुपया महीना कर दिया फीस उसकी, और इसीलिए सामान्य बच्चों को वहाँ से पढ़ने शिक्षा से ही वंचित कर दिया, और जिस समाज को दिवालिया और खत्म करना हो उसे शिक्षा से वंचित कर दो। सपा बसपा सरकार ने नकल से बर्बाद कर दिया प्रदेश को, पढ़े लिखे लोग हट गए, JNU को फीस बढ़ा के कर दिया। इसीलिए हमने पूरे बजट का पहली बार 6% शिक्षा पर लागू किया है। हम भी जब भी आएंगे सरकार में वादा किया है कि MA तक फ्री शिक्षा सबको दी जाएगी, उसके बाद कंपटीशन से गरीब और अमीर एक साथ बैठ करके नौकरी पा लेगा। पढ़े लोगों को पढ़ने का अवसर तो दिया जाए, यह हमारी गारंटी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।